नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस लाइन जबलपुर में पदस्थ महिला आरक्षक रंजना शर्मा ने अमेठी उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल वेटन एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शॉर्ट पुट थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर जबलपुर पुलिस के साथ ही जबलपुर ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अमेठी उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय ने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए रंजना शर्मा को बधाइयां दी। रंजना शर्मा नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शामिल हो चुकी है। वो हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, डिस्क थ्रो तीनों ही इवेंट में अपना हुनर दिखा चुकी है। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए रंजना शर्मा ने बताया कि उनका अगला टारगेट थाईलैंड है, जहां इंटरनेशनल प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। वहां रंजना शर्मा द्वारा जबलपुर की ओर से मेजबानी करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारियों में जुटी हुई है। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश नेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी। मेरे तीन इवेंट हैं, हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जिसमें मुझे तीनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। वहाँ से आई खेल करके, फिर मैं एसपी साहब से मिली, एसपी साहब को बताया मैंने, उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी और बोला आगे आप ऐसे खेलते रहे। बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं आप, परिवार, बच्चे? सभी खुश हैं। मेरे यहाँ मैं कंटिन्यू इस साल में मैं दो नेशनल एक इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, तो मेरे फैमिली वाले साथ सभी मुझसे बहुत खुश हैं। आगे के क्या लक्ष्य है? आगे का भी ये कि मुझे थाईलैंड खेलने जाना है इंटरनेशनल, और अभी कल मेरा स्टेट होने वाला है यहाँ पर मास्टर एथलेटिक साइंस कॉलेज में, तो उसके लिए मैं कल पार्टिसिपेट करूँगी और उसका नेशनल अलवर राजस्थान में होना है, वहाँ भी मैं खेलने जाऊँगी। मेरा नाम रंजना शर्मा है, मैं पुलिस लाइन में पदस्थ हूँ।